अच्छा ये हेल्प डेस्क है या इसी में जनसुनवाई वाला दोनों महिला हेल्प डेस्क का ये सर बन रहा है। अच्छा अभी ये बन रहा है। हेल्प डेस्क कौन देखता है बेटा? इधर है, कहाँ है रजिस्टर, कहाँ है? चलो लेटेस्ट दिखाओ बेटा, लास्ट पेज। सत्रह दस, सत्रह अक्टूबर 21, इसके बाद कोई आया ही नहीं एप्लीकेशन, ऐसा कैसे हो सकता है? 16 12 21 के बाद 17 10 21 आता है, 17 12 21 आता है, देखो ये 12 है, दो लिखे हो, ऐसे दो लिखा जाता है जो जीरो जैसा हो। कौन लिखा है इसको? आपने लिखा, इसको सही करो, इसको कोई भी 10 ही पढ़ेगा, सही करके लिखो। अच्छा दूसरे एक पेज में आप इसको दो दो क्यों लिख रहे हो? वेद क्या पेज की कमी है हम लोगों के पास? एक पेज पर आपको एक लिखना है जिससे जब भी आप फीडबैक ले सकें, शिकायतकर्ता से फीडबैक लेने के बाद लिखना हो तो पूरा पेज खाली रहे। बी ए बी कॉम बी एस सी और एम ए एम कॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। 100 असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी कॉलेज के सामने सेवा। आपका जरूरत पड़ने को हो सकता है कि आपको तीन बार तो मिनिमम फीडबैक ही रखिए, तीन बार, एक बार संतुष्ट मान लीजिए बता दिया, 15 दिन बाद फिर पूछे, फिर अगले 15 दिन बाद पूछे। आप इस प्रकार से उसको 45 डेज तक फीडबैक रखेंगे। उसके अलावा मान लो यह भी हो सकता है शिकायतकर्ता जो निस्तारण किया गया है शिकायत का उससे संतुष्ट ना हो, यह भी हो सकता है ना, इसलिए भी रहता है कि इन केस अगर शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं है तो तुरंत किसके संज्ञान में लाओगे आप? किसके संज्ञान में आएगा फिर? प्रभारी के, प्रभारी निरीक्षक के। वो शिकायत दूसरे को देंगे, इसकी प्रार्थना पत्र को दूसरे को देंगे, दूसरे उप निरीक्षक या जिसको भी दिया, और फिर जब शिकायत निपट करके आई तो अंतिम निस्तारण तक यही प्रक्रिया दोहराई जाएगी। इसलिए एक पेज में केवल एक लिखना है, ये एकदम याद रहे, क्लियर रहे। तो मैं हर बार कह चुका हूं ये, और देखो ये ऐसे ही होना चाहिए, ठीक। इस पेज पर पूरा एक रहे। और इसमें फीडबैक कहां लिया है ये बताओ मुझे, कहां है ये? तो यहां आपने लिखा कि इस पे लिखना चाहिए फीडबैक तिथि, ये हुआ आज दिनांक, इतना ही नहीं, यहां तो आपने शिकायतकर्ता के नाम पता में लिख दिया, यहां पर आपको लिखना चाहिए पेन लाइन, ये क्या होना चाहिए हेडिंग यहां पे, फीडबैक वन, फीडबैक वन या फीडबैक फर्स्ट। आपने फीडबैक फर्स्ट लिया, कितनी तारीख को लिया? 18/12/2021 को, 18/12 को लिया है, आज ही लिया है, हाँ आज 18 है, 19 है, 19 तारीख, सॉरी। तो आपने ये कर दीजिए फीडबैक फर्स्ट 18/12/2021। अब इसके बाद 15 दिन बाद दोबारा जिसे उसने बताया को संतुष्ट है, रह रहे हैं, अलग रह रहे हैं या संतुष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, 15 दिन बाद आपने फिर लिया, फीडबैक सेकंड हो गया, फीडबैक थर्ड हो गया। अगर वो संतुष्ट नहीं है फिर फीडबैक चलता रहेगा, आपके पास ये पेज खाली है, पड़ा रहे, संतुष्टि तक फॉलोअप होना है, और अगर संतुष्ट हो गए तो भी मिनिमम तीन बार फीडबैक लिया जाना है 15-15 दिन के अंतराल पे, ठीक। ये चीज फॉलो करना है बेटा। शिफ्ट वाइज लग रही है ड्यूटी, एक शिफ्ट में कितने लोग हैं? एक शिफ्ट में दो लोग हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या देखते हो बेटा? जन सुनवाई वाला है, हाँ रजिस्टर, अच्छा ओके, सामान्य रजिस्टर जो हमारे मेंटेन हो रहे हैं उनका है, ये चुनाव रजिस्टर आप मेंटेन कर रहे हो, अच्छा। कितने चुनाव सेंटर्स हैं वेब? 21, इनसे इनको जानना चाहिए वेब, बताओ 21 हैं, ये मतदान केंद्र हैं, और मतदेय स्थल कितने हैं? 24। पक्का? कुछ कंफ्यूजन है तुम बताओ। मतदान केंद्र 21 हैं, मतदेय स्थल 24 हैं, ये सही है? मतदेय स्थल समझ रहे हो, पोलिंग सेंटर हो गया मतदान केंद्र आपका, और मतदेय स्थल हो गया पोलिंग बूथ। एक आपके एक सेंटर पर अगर 5 बूथ है, किसी सेंटर पर 6 बूथ है, किसी सेंटर पर 2 बूथ है, और रेयरेस्ट ऑफ रेयर होगा जिसमें एक बूथ होगा, तो ये कैसे हो सकता है कि 19 सेंटर पे 21 बूथ हो? दोनों लोग कंफ्यूज हो, तो 11 है सर, केवल 21 बूथ है,
चितईपुर कट गया सर। आपके पास केवल 21 बूथ हैं? 11 रोहनिया के 10 कैंडिडेट। सेंटर या बूथ? सेंटर। हाँ, बूथ कितने हैं? बूथ नहीं आइडिया ना, तो इसको मैं कह रहा हूँ बूथ पर भी ध्यान दें, क्योंकि बूथ का मतलब हो गया कि हर बूथ की अलग अलग लाइन लगती है और आपका बूथ किसी न किसी गांव या मजरे को या मोहल्ले को इंगित करेगा, तो उसी आधार पर आपकी निरोधात्मक कार्रवाई होनी है। चुनाव को लेकर के निरोधात्मक कार्रवाई शुरू कर दीजिए, विशेष करके जो लाइसेंसी हथियार हैं उनका वेरिफिकेशन के साथ साथ जो लोग यूजलेसली मतलब रखे हों कहीं पर, इंटरेस्टेड ना हो, तो उनका वेरिफिकेशन शुरू हो जाए। बहुत सारे हथियार बाहर भी होंगे, ऐसा नहीं है कि यहीं पर हों, बाहर आ रहे हैं, तो उनका वेरिफिकेशन समय से जमा करने की कार्रवाई और NBW का तामीला, ये दो प्रक्रिया आपको बिल्कुल अभी से गति देनी है। और निरोधात्मक कार्रवाई भी आप पिछले चुनाव और इस चुनाव के बीच में भी जो चुनाव हुए हैं उनमें भी जो लोग किसी भी रूप में कभी भी फिजिकल वायलेशन में लगे रहे हैं, मान लीजिए किसी खिलाफ NCR बॉडी ऑफेंस की दर्ज है, FIR दर्ज है, तो आपको क्या करना है, उन सबको निरोधात्मक कार्रवाई के दायरे में ला देना है। 107 116 की कार्रवाई कब मानी जाएगी? जब 117 में बदल जाएगा। 117 की कार्रवाई अगर आपने कर ली है CRPC की, तभी आप उनका 122 के तहत जब्तीकरण की कार्रवाई ठीक उसी प्रकार करा सकेंगे जैसे जंगस्टर अधिनियम में आप जब्तीकरण की कार्रवाई कराते हैं 101 में। HS की क्या स्थिति है, कितने हिस्ट्री सीटर्स हैं अपने? 59। कितना? 59। अच्छा, रजिस्टर मेन रजिस्टर्स जो मैं बता रहा हूं उनको वहां लेके आना है आपको। कौन है मुंशी, कौन है? आए इधर आए, आइए ऑफिस में आइए। अच्छा, ये ऑफिस है अपने, रजिस्टर बेटा निकालो, फ्लाई सीट, ठीक है, HS की फ्लाई सीट समझ रहे हो ना, फ्लाई सीट निकाल लो, त्योहार रजिस्टर निकाल लो, गुंडा रजिस्टर, ठीक, और उसके बाद NCR जांच रजिस्टर, SC ST और महिला उत्पीड़न संबंधी अपराध, और समाधान दिवस और संपूर्ण समाधान दिवस, और इसके अलावा हत्या बलवा रोकथाम रजिस्टर, इतने रजिस्टर निकाल करके लेकर के आओ, ठीक, लेकर के निकाल करके आओ ऑफिस में, आओ बेटी इधर आओ, इसमें बनवा रहे हो केबिन में, ठीक, बढ़िया। और ये क्या है ऑफिस? कब तक बन के तैयार हो जाएगा महिला हेल्पर? दिवसा अधिकारी कौन है डे ऑफिसर? एक तो दिवसा अधिकारी और एक रात्रि अधिकारी होते हैं ना, 12-12 घंटे की शिफ्ट वाले। इधर आइए, आप ही हो दिवसा अधिकारी? आप ही हो, अच्छा, आप तो दिवसा अधिकारी के रूप में, देखो पहले भी यहां पर एक बार कंप्लेन मिल चुकी थी वेद आपके आने के पहले की, इसलिए मालूम होगा जो बाद में देहात क्षेत्र में कि कोई व्यक्ति ने शिकायत की थी कि यहां आया और उसकी उस समय गुमसुदगी नहीं लिखी गई थी, बाद में जो इंसिडेंट हुआ था देहात क्षेत्र में, तो जो भी दिवसा अधिकारी रहे रात्रि अधिकारी रहे आप परफेक्ट जिम्मेदार होंगे, कोई भी शिकायतकर्ता आया तो वो हर हाल में अटेंड किया जाना चाहिए, एंश्योर करिए, अगर वो FIR के लिए आया है तो भी आप तुरंत FIR दर्ज करिए, आवश्यक जहां भय समझ रहे हैं आप इमीडिएट अपने, अगर यहीं पर उपस्थित हैं प्रभारी उनसे बताइए, नहीं उपस्थित हैं फोन से बताइए, या जहां भी आवश्यकता है जो भी हमारी सेट प्रैक्टिस से बताने की बताइए, लेकिन हमारी प्रैक्टिस के कारण ये स्थिति कतई ना हो कि वो अनअटेंडेड हो, बात समझ रहे हो ना, अनअटेंडेड नहीं होना चाहिए, उसका जो भी ग्रीवांस है तत्काल देखा जाए, ये निश्चित करना है। रजिस्टर मंगा लो बेट, आते हैं। CGTMS है यहाँ पे, ठीक, बढ़िया। आप लोग बताओगे IGRS में क्या रैंकिंग है हमारी थाने की, इस समय निकाला है, देखा है? अच्छा, तो जो भी लंबित है थाना स्तर पर बेट, इनको समयबद्ध तरीके से सबका और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हो जाए, किसी भी रूप में कोई भी डिफॉल्ट में न जाए और किसी भी रूप में ऐसी स्थिति ना हो कि कोई असंतोष की परिभाषा में आए, जो हो निस्तारण होता जाए। विवेचनाओं के निस्तारण में क्या स्थिति है? विवेचना तो बहुत कम हो गई सर, और 203 पे है अभी। रैंकिंग क्या है विवेचनाओं के, आप निकाल करके प्रिंट आउट लेकर के आइए, देखें कि क्या है कि पूरा ओवरऑल कितनी टेंडेंसी है।
दुरुस्त है काफी। तो दीदी आपने इधर मेहनत कराई? क्योंकि मैं पिछली बार आया था तो साफ सफाई की स्थिति अच्छी नहीं थी, तो साफ सफाई तो काफी बढ़िया दिख रही है। ये कक्ष तो था लेकिन मुझे लगता है कि ये हाँ इस तरीके से नहीं था, तो इसके लिए साफ सफाई की व्यवस्था अच्छी रखवाने के लिए इनको अपनी तरफ से प्यारो सा इनाम भी हमारी तरफ से वेद प्रकाश जी के लिए लिखिएगा। इसमें अच्छी व्यवस्था है, साफ सफाई के लेवल मेंटेन रहे, ये चीज इंश्योर करना है। हमारी गाड़ी से पेन उठा लाना, पेन नहीं होगा। में त्योहार बीता है, कौन सा प्रकाश त्योहार बीता है? देव दीपावली। देव दीपावली के बाद अब आगामी त्योहार कब से शुरू होंगे? अगले त्योहार मकर संक्रांति, खरमास के बाद शुरू होंगे त्योहार। त्योहार लिस्ट अप टू डेट है? ठीक है कलम लेंगे। आपके यहां संत रविदास जयंती इस ये भी काफी महत्वपूर्ण फेस्टिवल के रूप में होता है, मेरी समझ से मुख्य मंदिर आपके ही थाना क्षेत्र में है और पीछे लिखा भी है, विस्तार से लिखा भी हुआ है। ये इस बार कब पड़ेगा? फरवरी में। तो ठीक है, अब रजिस्टर अप टू डेट है, इसको लेकर के अलर्ट हमेशा से जो भी पीछे के मतलब प्रविष्टियां हैं उनको पढ़ करके उनसे अनुभव का लाभ जरूर लिया जाए। एनसीआर जांच रजिस्टर, ज्यादातर में 107 116 की कार्रवाई दिख रही है पीछे, हालांकि बाद में इधर 151 की कार्रवाई शुरू हुई है। किसी ध्यान देना है इसमें कि जो 151 की कार्रवाई हो वेद, अनिवार्य रूप से अगर दोनों पक्ष मान लीजिए लड़े हैं, दोनों पक्ष हिंसा में संलिप्त रहे हैं तो दोनों पर हो, लेकिन अगर एक पक्षीय रूप से किसी ने मारा पीटा है किसी को तो हमेशा 151 की भी कार्रवाई एक पक्षीय होनी चाहिए और यही तभी सही न्याय मिल पाता है। अगर 151 की कार्रवाई मान लो एक व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को मारा पीटा और आपने ला करके 151 में दोनों को बंद कर दिया तो ये मेरी समझ से मतलब कहीं ना कहीं से जस्टिस तो भूल जाइए, इनजस्टिस बहुत गलत तरीके से डिलीवर करना होगा उस व्यक्ति को जो पीड़ित है, क्योंकि वहां पर तो पहले भी पीट चुका और आपने दोषी के साथ उसको भी हवालात में डाल दिया, तो ये स्थिति कतई नहीं होनी चाहिए। 151 की कार्रवाई अनिवार्य रूप से आक्रामक पक्ष के खिलाफ एक पक्षी तरीके से करिए। हाँ, अगर दोनों पक्ष मारपीट में एज ए ग्रुप लड़े हों, दोनों का 19-20 ही सही अंतर हो, बट मतलब मारपीट में दोनों शामिल हों तब दोनों पक्ष पे करिए, बट मतलब अगर एक पक्षी मारपीट का है तो उसमें एक पक्षी ही 151 की कार्रवाई की जाए। अच्छा, साथ ही साथ 107 116 जितने में हुआ है ये 107 116 का फॉलो अप करें, क्योंकि हम लोग पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम में है, एसीपी साहब की जो कोर्ट है वहां पर आप इसको पहुंचा करके 117 में शामिल कराएं। 116-3 की प्रक्रिया पूरी करा करके अपने जो जांच अधिकारी हूं उनसे 117 का ऑर्डर जरूर कराएं, तभी ये ऑर्डर इफेक्टिव होगा। 107 116 केवल करके छोड़ने से कोई फायदा नहीं है। दूसरे, आप इस समय जिनका भी 117 करा लेंगे वो सारे आपके लिए चुनाव में भी बहुत कारगर रहेंगे। क्यों? क्योंकि 6 माह के लिए आपका ऑर्डर 117 का होता है और तब तक आपका जो चुनावी प्रक्रिया है वो परिपूर्ण हो चुकी होगी, तो यानी कि नेचुरल में भी जो लोग बॉडी ऑफेंस में शामिल रहे हैं उन्हीं पर आप कार्रवाई करेंगे और जब बॉडी ऑफेंस में शामिल व्यक्ति जो सामान्य अपराधों में शामिल है, सामान्य रूप से किसी से लड़ झगड़ रहा है, तो पूरे चांस ये भी हैं कि वो चुनाव के दौरान भी इस प्रकार की अशांति करने की स्थिति उत्पन्न करना चाहे, तो हम पहले से इस पर नजर रखें। महिला उत्पीड़न, इसमें कोई पेंडिंग केस है इस समय वर्तमान में?
कोई भी सीरियस ऑफेंस का पेंडिंग एक केस है? ठीक है, ये सर्वोच्च प्राथमिकता पे है, शासन की, डीजीपी साहब की, और इसमें किसी भी रूप में महिलाओं से संबंधित जो भी अपराध कहीं भी कारित है तो समय से उन सब में समयबद्ध तरीके से चार्जशीट हो, गिरफ्तारी की कार्रवाई हो, सब पूरी कर ले। गुंडा रजिस्टर, एसएसआई साहब कितने प्रकार के गुंडे होते हैं, कितने प्रकार के गुंडे सूचीबद्ध किए गए हैं, आपको है जानकारी? नहीं है वे तो आप बताओ, इसका मतलब आपने भी पढ़ा नहीं है पूरा। चार प्रकार के ही गुंडे होते हैं, कितने, कौन कौन? राजनैतिक, सांप्रदायिक, छात्र और आपराधिक। कितने? चार प्रकार के, जिनमें से राजनैतिक स्पष्ट है, छात्र भी स्पष्ट है जो स्टूडेंट्स से रिलेटेड है, सांप्रदायिक भी स्पष्ट है जहां पर कम्बल हारमोनी प्रभावित हुई हो। इन तीनों के अलावा जो लोग गुंडा की कैटेगरी में आते हैं उनको किसमें डाला जाता है? आपराधिक में। ये एकदम से याद रहना चाहिए, और जितने लोग आपके इन चारों प्रकार की गुंडा की कैटेगरी में हैं उनको आप अनिवार्य रूप से मॉनिटर करते रहें कि वो हमेशा एट ए टाइम आपके 117 में पाबंद रहे और भारी पे उछल के पाबंद रहे, ताकि अगर किसी भी प्रकार का नुइसेंस क्रिएट करना चाहें तो आप उनकी जब्तीकरण की कार्रवाई 122 सीआरपीसी में करा सके। अब कमिश्नरेट में आपको यह अतिरिक्त लाभ है कि आप जिन पर प्रभावी कार्रवाई करेंगे उसमें कोई डिले होने के चांस नहीं है, तो ये चीज आप इसमें करा लीजिए। इसका अध्ययन करके चुनाव के पहले यह भी पूरी तरह अपडेट हो जाना चाहिए। इसको मैं एक सप्ताह बाद पूरा निरीक्षण करूंगा आपके थाने का, अभी मैं इसीलिए अभी सरसरी तरीके से बाकी चीजों को कर रहा हूं। हत्या बल और रोकथाम रजिस्टर, इस रजिस्टर में भी मैं यही चाहूंगा कि जितने भी इस प्रकार के एलिमेंट्स हैं जो गंभीर शारीरिक अपराधों में संलिप्त रहे हैं, हत्या बल और रोकथाम रजिस्टर में जो भी इंगित है, इन सब पर भी प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही समय से कर ली जाए और वो कागजी खाना पूर्ति की ना हो, 107-16 हो तो 117 तक पहुंचे। इसके अलावा गुंडा, मिनी गुंडा 109-10 जी, और अगर उनके कई बार अपराध का रिपीटेंस हुआ हो तो आप उसमें एचएस खोलिए उनकी। इसी प्रकार से कई अपराध की स्थिति में ही आप गैंगस्टर की भी कार्रवाई करिए, इसमें भी किसी प्रकार से कोई ढिलाई नहीं करनी है। ये आपका सबसे महत्वपूर्ण रजिस्टर है, इस पर शासन की तरफ से माननीय डीजीपी साहब की तरफ से बहुत जोर दिया जा रहा है। हत्या बल और रोकथाम रजिस्टर को अगर आपने अच्छे तरीके से प्रभावी तरीके से पीछे का पढ़ करके और इनको निरोधात्मक कार्रवाई के दायरे में ला लिया तो आप मान के चलिए कि वहां पर किसी प्रकार की अशांति होने की संभावना नहीं रहेगी। समाधान दिवस रजिस्टर, कोई इधर के पीछे के कोई मामले पेंडिंग तो नहीं है? एक केवल है पीछे का, ठीक है, तो उनसे बात करके जो भी कंसर्निंग राजस्व निरीक्षक हो या जो इसमें लेखपाल जुड़े हुए हैं टीम के साथ भेज करके निपटा दीजिए समय से। किसी भी रूप में समाधान दिवस का या संपूर्ण समाधान दिवस का समयबद्ध तरीके से निस्तारण हो जाना चाहिए, पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। संपूर्ण समाधान दिवस का कोई लंबित है? ये आपकी एचएस की प्लाई सीट है, कुल एचएस की संख्या कितनी है? अभी पानी नहीं पिएंगे, पानी नहीं पिएंगे। कितनी है? 59। कितने निरीक्षण कितने होने चाहिए एचएस के, महीने भर में कितने निरीक्षण होने चाहिए? दो होने चाहिए। अच्छा, दिन में या रात में? दिन में भी, एक दिन में और एक रात में, इसलिए दोनों कालम रहता है ताकि आप दोनों स्थितियों को देख सकें। पीछे के सारे हो गए हैं, देखो बहुत सारे ऐसे हैं जो एचएस, देखो अब ये देखो 65, ये मैंने खोला है जायके के लिए, कल्लू यादव और फनिल यादव, कोई निरीक्षण नहीं हुआ है, ठीक है ना, ब्लैंक है। ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए, जितने एचएस देखो आपके नहीं चेक किए गए हैं, देखो साल भर में अभी नहीं, ये प्रयास की बात नहीं है, स्पष्ट किया जा रहा है, स्पष्ट निर्देश है, इसमें कोई वो नहीं है, नहीं तो ये आप लोगों का माना जाएगा। बेब इधर आओ, इंस्पेक्टर
बिल्कुल नहीं है, एकदम ब्लैंक है। जैसे देखो एचएस का ये नहीं होना चाहिए, साल का अंत है, साल के अंत में एक भी निरीक्षण ना होना शर्मनाक है। ये शो करता है कि कहीं ना कहीं से हमारी जो अपराधियों अपराधियों के बारे में प्रयास की स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है। जितने बचे हैं आपके पास इफेक्टिव रूप से अभी 10 दिन है, इस 10 दिन में सारे एचएस का वेरिफिकेशन हो जाना चाहिए 59 का। मैं अगले हफ्ते फिर से एचएस पे फोकस कंप्लायंस करूंगा।